हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नेहा अकृता रेसिपीज। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भटूरे की ऑयल फ्री क्विक रेसिपी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भटूरे एकदम फूले हुए, सॉफ्ट, क्रिस्पी और ऑयल फ्री भटूरे आप बना पाएंगे। और हमने ये आटा मैदा को मिक्स करके बनाया है, तो ये ईजी टू डाइजेस्ट भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, भटूरे के लिए हमें एक डो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक कटोरी हमारा गेहूं का आटा लिया है और इसी एक कटोरी से मैंने बराबर लिया है इसमें एक कटोरी मैदा। तो देखिए, मैंने इसे एक बोल में डाला है और दोनों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने लिया है हमारा खाने वाला सोडा 1/4 स्पून और इसके साथ ही हम ले रहे हैं ये बेकिंग पाउडर, ये है मेरा 1/2 स्पून और ये वाला मैंने लिया है आपका सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वाइट सॉल्ट और ये है शुगर 1/2 स्पून, दोनों ही मैंने 1/2 स्पून ले लिया है। अब वो हम इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से फर्स्ट हम इसे मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद देखिए, ये मैं हमारा जो ऑयल हम घर में यूज़ करते हैं रिफाइंड ऑयल, मैं वो ले रही हूँ। आप चाहें तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। ये मैं इसमें 3 स्पून डाल दूँगी। देखिए, अब इसको डालने के बाद ये है मेरा कर्ड, ये मैंने घर में ही जमाया है दही, ये हमारा घर का दही है और मैं ये 1 स्मॉल बाउल दही इसमें मिक्स करूँ। सो देखिए, अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें चाहिए वाटर, तो हम अपना नॉर्मल वाटर लेंगे और उस वाटर के साथ हमें इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, एक साथ ही हम इसमें वाटर नहीं डालेंगे। और इसका जो हमें डो बनाना है वो ना ही हमें बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें इसे गीला बनाना है। तो हमें सेम जैसा हम अपने रोटी या फिर पराठे के लिए जो डो हम तैयार करते हैं, जैसा हम आटा गूंथते हैं, सेम वैसा ही हमें एक डो तैयार करना है जो एकदम सॉफ्ट होगा। सो देखिए, ये कुछ इस तरह से हम अपने हैंड की हेल्प से हम इसको बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। इसका डो हम रेडी करेंगे, उसके बाद थोड़ा ऑयल उसके ऊपर हम लगाकर अच्छे से उसको प्रेस करके उसको ऑल द साइड उसके हम ऑयल लगा देंगे और उसको हम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए, 1/2 आवर के लिए किसी कपड़े से या फिर आप किसी प्लेट से इसको कवर करके रख देंगे। तो तब क्या होगा कि इसमें जो आपने शुगर डाला है वो सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद एक बार फिर हम इसको गूंथेंगे और फिर हमारा डो रेडी हो जाएगा। तो देखिए, अब हम इसको रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 1/2 आवर मैंने इसको देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और देखिए, हम इसको एक बार फिर से अपने हाथों से गूंथ के देखेंगे। आप देखेंगे, आप जब इसमें फिंगर ऐसे अपनी प्रेस करेंगे तो ये वापस ऊपर फूलना शुरू हो जाएगा। इट मींस हमारा ये डो एकदम रेडी हो चुका है भटूरे बनाने के लिए। अब हम इसमें से जिस तरह से हम अपनी रोटी या पराठे के लिए लोई लेते हैं, हम उस तरह से लेंगे और राउंड या ओवल किसी भी शेप में हम कढ़ाई में इसे पहले ऑयल तेज गरम करके फिर मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। सो आप देखेंगे कि आपके क्रिस्पी, ऑयल फ्री, सॉफ्ट भटूरे तैयार हैं। सो फ्रेंड, एंजॉय इट।